और आज हम मौजूद हैं यहाँ पे यूके में, लंदन में अपने होटल में, जबकि अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं स्कॉटलैंड के लिए। हमने ट्रेन जो है वो बुक करवाई है, ट्रेन में हम जो है वो जाने लगे हैं। ट्रेन का जो रास्ता है सुना बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा है। आपको लेके चलेंगे स्टेशन पे, वहाँ से हम आपको दिखाएंगे ट्रेन कैसी है, ट्रेन का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और उसके बाद जो है वो रास्ते में जो जो नज़ारे आते हैं वो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं यहाँ पे, बल्कि ये स्टेशन है किंग्स क्रॉस का और यहाँ से हमें ट्रेन जो है वो एडिनबर्ग लेके जाएगी। ट्रेन जो है वो अभी तकरीबन आधा घंटा जो है उसमें लगेगा, 30 मिनट्स बाद जो है वो हम बोर्डिंग करेंगे, उसमें जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ का जो स्टेशन है वो कैसा है, कैसे हैं सारे मामले, और काफ़ी रश होता है यहाँ पर, रशी एरियाज़ हैं और सही है मामला सारे के सारे। तो हम जैसी ट्रेन बोर्ड करेंगे आपको बताएंगे उसके मुतालिक और कैसा रहा सारा मामला, आपको साथ साथ लेके चलेंगे और फिर देखते हैं। थैंक यू। अब हम जो है वो ट्रेन में जाने लगे हैं और ये ट्रेन मेरे बिल्कुल सामने है, मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ, आप देखिएगा। ये है जनाब ट्रेन जो कि हमें यहाँ से लंदन से लेके जा रही है एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड में है, और अपनी अब जाके सीट्स देखेंगे कि कहाँ पे हैं क्या है, और अंदर से भी आपको इसका व्यू करवाते हैं कैसी ट्रेन है और साथ साथ जर्नी आपको दिखाएंगे कि कैसी जर्नी जो है वो चलती है। ये है जी ट्रेन, वैसे ओवरव्यू यानी बाहर से देखने में तो अच्छी लग रही है, अच्छी आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। ठीक हो गया, आ जाओ, सामान रखो अपना।
हैं जी, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे एडनबर्ग, और एडनबरा भी इसको कहा जाता है। ये पीछे ट्रेन है जिसके अंदर जो है वो हम सवार थे, पूरे टाइम पे जो है वहाँ से चली है, पूरे टाइम पे जो है वो पहुँचा दिया इसने। ये सबसे खुशाइन बात है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सर्दी भी है, बारिश भी हो रही है, बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद कैसे मामला हैं, और आपको आगे अपडेट करेंगे कि ये सिटी कैसा है। ये है जी स्कॉटलैंड का जो स्टेशन, एडनबरा का स्टेशन जो है वो आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। और अब हम बाहर जा रहे हैं। ब्यूटीफुल स्कॉटलैंड, अभी हम अपने जो है वो अपार्टमेंट में आ गए हैं। अपार्टमेंट हमने लिया हुआ है यहाँ पे एडनबर्ग में, और ये सिटी सेंटर में है बिल्कुल, और काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं आपको थोड़ा सा टूर भी करवा देता हूँ अपने अपार्टमेंट का। ये पीछे आप एरिया देख सकते हैं, ये हम लोगों के लिए है अवेलेबल, और यहाँ पे जो है वो हम रहेंगे अगले 3 दिन, और फिर आगे जो है वो अपना नेक्स्ट जो है वो प्लान करेंगे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर अपार्टमेंट में, और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये है जी यहाँ से एंट्रेंस, आप एंटर होंगे, उसके बाद ये थोड़ा सा लॉबी का एरिया है, और ये सामने जो है वो हमारा अपार्टमेंट है। और यहाँ से एंटर होंगे, ये हमारा लिविंग एरिया है, यहाँ पे जो है वो हमने अपना सामान वगैरह रखा है फिलहाल, और LCD वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। बल्कि ये आपको किचन भी दिखा देते हैं, किचन भी हमारे पास अवेलेबल है। किचन में तमाम तरह एक्सेसरीज भी यहाँ पे हैं हमें जो कि मिली हैं, प्लेट्स वगैरह हैं, कप्स वगैरह हैं, और इसके अलावा खाना बनाने के लिए सामान भी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी ये डस्टबिन है, और ये लिविंग एरिया है हमारा, इसके अलावा ये वॉशरूम है जो कि काफ़ी बड़ा, खुला और बेहतरीन है, साफ सुथरा। यहाँ पे हम अगले 3 दिन जो है वो गुजारने वाले हैं। ये है जनाब हमारा रूम, यहाँ पे जो है वो हम रहेंगे। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ से आप खिड़की से देखेंगे बाहर, तो आपको एक अच्छा लॉन की फीलिंग आएगी, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो ये जनाब हमने फ़िलहाल अपार्टमेंट लिया है, उम्मीद है कि आप लोग भी इसको पसंद करेंगे। अभी हम एक टर्किश रेस्टोरेंट में आए हैं, और यहाँ पे हमने खाने का ऑर्डर दिया है, और कुछ चीज़ें आई हैं, और कुछ चीज़ें अभी आना बाकी हैं, वो जैसी आती हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें जिनका हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है, लेकिन ये हलाल रेस्टोरेंट है, और खाने वाली तो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें नाम वगैरह बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये आती हैं, आपको बाकी सारी चीज़ें भी दिखाते हैं। ये इन्होंने अपनी तरफ से ब्रेड दी है, उसके साथ 4 जो हैं वो डिफरेंट चटनियाँ हैं, और ये क्या है खा के पता चलेगा, और अभी और चीज़ें आती हैं वो भी आपको दिखाते हैं।